हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार फॉर यू फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये और इसमें लोकेशंस भी बहुत सारी हैं तो जो भी लोकेशन आपके लिए सूटेबल हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर भी सिंपल है ऑनलाइन अप्लाई करना है तो घर बैठे आराम से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी से आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए पूरी इंफॉर्मेशन को वीडियो में चेक करने के बाद और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल रोजगार फॉर यू को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं इस चैनल पर जॉब नोटिफिकेशन लेकर आती रहती हूँ और साथ में बेल आइकन भी जरूर क्लिक करिए ताकि हर नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचती रहे और आप टाइम रहते उसके लिए अप्लाई भी कर सकें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल रोजगार फॉर यू को और चलिए अब कवर करते हैं आज की असिस्टेंट प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जॉब अपॉर्चुनिटी की सारी डिटेल्स को फ्रेंड्स ये है एडवर्टीजमेंट सबसे पहले हम प्रोफेसर की डिटेल्स चेक कर लेते हैं कैंडिडेट शुड हैव एलएलएम विद विथ मिनिमम 55 परसेंट ऑफ मार्क्स और एन इक्विलेंट सीजीपीए इसमें मेंशन है कि एल एल एम हो विद मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स और या फिर इक्विवेलेंट सी जी पी ए हो और साथ में पी एच डी इन लॉ होनी चाहिए दे शुड हैव अ मिनिमम ऑफ टेन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज विद एटलीस्ट टेन रिसर्च पब्लिकेशंस और बाकी डिटेल्स आप देख लीजिए नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर कैंडिडेट्स शुड हैव एल एल एम विद मिनिम फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ मार्क्स या फिर इक्विलेंट सी जी पी ए विध पी एच डी इन लॉ दे शुड हैवे मिनिमम ऑफ एट ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज विद एटलीस्ट सेवन रिसर्च पब्लिकेशन तो आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए नेक्स्ट अब तो हम देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की डिटेल्स के बारे में कैंडिडेट्स शुड हैव एल एल एम विद मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ मार्क्स और एन इक्वलेंट सी जी पी ए विद PhD in law slash qualified in nets. let set. रेमन्ड्रेशन जो है दैट विल बी कमेंसुरेट विद द क्वालिफिकेशनस एंड एक्सपीरियंस और जो कैंडिडेट है वो कंप्यूटर सेवे होना चाहिए कंप्यूटर के अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आपके पास टेन डेज़ का टाइम है इसके लिए अप्लाई करने के लिए ये जो एडवर्टीजमेंट है ये मैंने न्यूज़ से ली है और ये फर्स्ट ऑफ जून को पब्लिश हुई थी मैंने फर्स्ट ऑफ जून को रीड किया है तो आप फर्स्ट ऑफ जून से काउंट करके टेन डेज के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर रिज्यूमे विद इन टेन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट तो आप वेबसाइट भी जरूर चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने लेवल पर चेक करने के बाद ही आप अप्लाई किया कीजिए हमेशा और अथेंटिसिटी भी जरूर चेक किया कीजिए जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने पोस्ट को मेंशन करना है और जिस भी लोकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि लोकेशन काफ़ी सारी हैं तो आपने जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना है आपने क्लियरली मेंशन करना है बाय क्लियरली मेंशनिंग द यूनिवर्सिटी टू विच रिज्यूम इज सबमिटेड एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे एड्रेस मैंशनड है जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है और ऑथेंटिसिटी को अपने लेवल पर ज़रूर चेक किया कीजिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ क्वालिफ़िकेशन हमने चेक कर ली प्रोफेसर की चेक कर ली एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी क्वालिफिकेशन को हमने चेक कर लिया है और एड्रेस मैंने आपको बता दिया जहाँ पे आपने अपना रिज्यूम में सेंड करना है टेन डेज़ का टाइम है फ्रेंड्स ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आई है आई ग्रुप की तरफ से आई लॉ स्कूल डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लोकेशंस हैं द आई ग्रुप इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड डिस्टिंग हैविंग प्रूवन क्रिडेंशियल फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर आई लॉ स्कूल एट द आई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैदराबाद देहरादून जयपुर हिमाचल प्रदेश बद्दी झारखंड रांची एंड रायपुर तो काफ़ी सारी लोकेशंस है आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए आप जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप वो क्लियरली मेंशन करके अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं और पूरी एडवर्टीजमेंट को एक बार अपने लेवल पर ज़रूर रीड कर लीजिएगा और पूरी इन्फॉमेशन को रीड करने के बाद अगर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लिया कीजिए हमेशा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को जॉब मिल जाए किसी की हेल्प हो जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए इसमें काफ़ी सारी लोकेशन हैं आपके लिए जो भी लोकेशन सूटेबल है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब टाइप कर लीजिए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट